नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। यूपी के शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी नटवरलाल आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गई। अनामिका सिंह नाम की नटवरलाल एक दो नहीं बल्कि पूरे 25 स्कूलों में एक साथ नौकरी कर रही थी। यही नहीं, इसने 13 महीनों की नौकरी में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की सैलरी उठाई है। इस नटवरलाल अनामिका सिंह को पुलिस ने कासगंज में उस समय गिरफ्तार किया जब ये अपने पद से इस्तीफा देने के लिए बीएसए दफ्तर पहुंची थी। इस महिला नटवरलाल के कारनामे ने देश को आश्चर्यचकित कर दिया है, क्योंकि आज से पहले ऐसी ठगी का मामला किसी ने न देखा था और न ही किसी ने सुना था। यूपी के कासगंज में बेसिक शिक्षा विभाग को चकमा देकर बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाली शिक्षिका अनामिका सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के 25 स्कूलों में फर्जी तरीके से नौकरी करने के मामले में सुर्खियों में आई शिक्षिका अनामिका शुक्ला के नाम पर फर्जी नौकरी करने वाली नटवरलाल अनामिका सिंह से पूछताछ में कुछ बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। कासगंज में फर्जी अभिलेख पर नौकरी कर रही अनामिका सिंह त्यागपत्र देने आई थी। वर्तमान में कासगंज के फरीदपुर के कस्तूरबा गांधी स्कूल में तैनात थी। अनामिका सिंह पर आरोप है कि उसने अनामिका शुक्ला के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी हासिल की थी, जिसकी पुलिस को बहुत दिनों से तलाश थी। शुक्रवार की शाम शिक्षिका ने इस नोटिस को देखा तो वह अपना इस्तीफा देने बीएसए दफ्तर पहुंच गई। अपने साथ आए एक युवक के माध्यम से उसने अपने इस्तीफे के प्रति बीएसए को भेजी। जब युवक से शिक्षिका के बारे में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि अनामिका सिंह बाहर सड़क पर खड़ी हैं। इस पर बीएसए अंजलि अग्रवाल ने सोरो पुलिस को मामले की जानकारी दी और कार्यालय के स्टाफ के माध्यम से घेराबंदी करके उसे पकड़कर सोरो थाने के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी अनामिका सिंह से पूछताछ में जुटी है। कार्यरत थी, इनको हमने नोटिस जारी किया था। उसी नोटिस के क्रम में ये आज यहाँ त्याग पत्र देने आई हूँ, तो हमने इन्हें पुलिस के सुपुर्द कर दिया। नटवरलाल शिक्षिका अनामिका सिंह के कारनामों से लोग हैरान हैं। लोगों की माने तो किसी को एक जगह नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसे में 25 जगहों पर नटवरलाल अनामिका सिंह को नौकरी कैसे मिल गई, जांच का विषय है। फिलहाल मामले में पूछताछ जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नटवरलाल शिक्षिका अनामिका सिंह के तार कहां कहां और किससे जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर खबर अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।